फिर हम आज की मुरली शुरू करेंगे। राखी बहन फर्स्ट मुरली चलते हैं। हाँ जी भाई जी, पहली मुरली विशाल बुद्धि, 3 अक्टूबर 1975 की, जिसे रोमा बहन ले रहे हैं। जी रोमा बहन। जी ओम शांति। विशाल बुद्धि 3/10/1975 की है। जैसे अभी आपने बोला एजेंडा, तो हम एजेंडा बता सकते हैं। बाबा ने हमें बेहद बुद्धि, विशाल बुद्धि बोलने को बोला है। और सबसे एजेंडा पहला है, तो है बाबा ने हमें बताया है कैसे विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, प्राप्ति प्राप्त होती है, और सेवा को बढ़ाने के पॉइंट्स शेयर करे हैं बाबा ने। दो पॉइंट्स बड़े बड़े ये हम दे सकते हैं, तो नटशेल में ही बताएंगे। जिससे भक्ति में हम रिद्धि सिद्धि बोलते हैं वर्ड, लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि रिद्धि विद्धि कोई चीज नहीं होती, रिद्धि से सिद्धि मतलब विधि से सिद्धि। विधि यानी विधान यानी तरीका, और उससे ठीक से करें तो फिर प्राप्ति होती है, सिद्धि होती है। जैसे कई हम पॉइंट्स ले सकते हैं, साकार की वाणी में भी आज यही था। एग्जाम्पल है तो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा काम है, तो हमारे लक्ष्य प्रमाण लक्षण होंगे तभी संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, होलियस्ट आत्मा बनेंगे। तो इसके लिए उसकी विधि, हमारी संकल्प जितने भी ऊंचे होंगे श्रेष्ठ होंगे। तो यहाँ पर बाबा ने एग्जाम्पल देके बताया है कि संकल्प मात्र में भी दुख ना आए, यह है सिद्धि। और उसकी विधि है दुख धाम से निकल के संगम युगी पॉट में, जैसे बाबा बताते हैं उसमें आ जाना, अपने आप को संगम युगी ब्राह्मण समझना। तो जैसे गाने में भी था, और यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जिस अभी हम देख रहे हैं कि इतने दुख हैं, दर्द हैं, तो मंदिर में जो कीर्तन कर जिनकी महिमा करे देवी देवताओं की, उनको देख के वहां पे थोड़ी देर के लिए भी कीर्तन करने से जो आत्मा को शांति मिलती है, अल्प काल का अनुभव होता है, तो उसके लिए क्या हमारी इतनी पावरफुल स्थिति होनी चाहिए। मामा बताते हैं कि हमारी सिद्धि है सदा खुश रहना, जैसे कि अंत काल में भी हर तरफ से वार होगा, बाबा ने बताया प्रकृति और माया का फुल फोर्स होगा, लेकिन हमें सदा अपने खजानों की, अपनी प्राप्तियों की याद रहे, लगातार उसका चिंतन मनन चलता रहे, उस स्मृति में रहे, तो हम खुश रहेंगे। खजानों की चाबी, तो बाबा ने उसकी विधि बताई है, एक ही विधि है, एक बाप दूसरा न कोई, यानी कि सदा अपने आप को भरपूर सने समझेंगे, संपन्न समझेंगे। बाबा ने बताया कि अगर माया के फॉर्म में फंस जाएंगे, चाहे हम स्थूल या सूक्ष्म किसी चीज की इच्छा की प्राप्ति में लगे रहेंगे, मांगने के उसमें रहेंगे, अभी तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, तो फिर हमें क्या प्राप्ति होगी। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि इष्ट देव बन के सबके दुख दर्द की आवाज सुनने की कोशिश करो, ये है विधि। स्वयं को जगत माता जगत पिता समझ कर उन पे रहम करो, विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बनना। तो इन सोमानों में स्थित रहेंगे लगातार, तो बेहद का वैराग्य आता जाएगा। जैसे कि आजकल हम सिचुएशन में भी देख रहे हैं कि हर आत्मा कितनी दुखी है, परेशान है, शायद जैसे गाने में था, कोई घर शायद ऐसा है ही नहीं कि जो दुखी ना हो, परेशान ना हो। तो हमारे यहाँ पे कितनी बड़ी वो बन जाती है। जैसे भाई जी अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मुझे याद आया, साकार में बाबा बहुत बार बोलते थे कि अभी तो आप अपने लिए कर लीजिए, कुछ समय बाद आएगा कि आप अपने लिए भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये वही समय है कि अभी हमें सिर्फ देने का समय है, अभी अपने लिए इतना पुरुषार्थ के लिए समय नहीं बचा। फिर आगे बाबा ने बताया सेवा बढ़ाने के कई बड़े पॉइंट्स। समय प्रमाण अभी विशाल बुद्धि और बेहद में जाना है, और जिसकी युक्ति बाबा ने बताई कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा आत्माओं के निमित्त बन सके। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको वैसे VIP होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं लोग उनका मान सम्मान करते हैं, हो सकता है वो समाज या देश में उन्होंने कोई बहुत अच्छा योगदान दिया हो, कोई खास गुण हो, कोई वो हो जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि VIP का तो फिर भी चाहे शायद एक लंगड़ा माल देने के लिए झूठी मूठी थोड़े हो जाएंगे, लेकिन जिनकी सच्ची में लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आने से ज्यादा लोगों को तीर लगेगा। तो बाबा बोलते हैं अगर उनको बुलाओगे, वो भले हमारे रेगुलर स्टूडेंट ना भी बने, पर शायद वो बहुत आगे आत्माओं के आने के निमित्त बन सकते हैं। तो ये हमें परखने की शक्ति की आवश्यकता है, ताकि थोड़े समय में हम विहंग मार्ग की सेवा कर सके। तो बाबा ने हमें यहाँ पे ये बढ़ाने के लिए, सेवा बढ़ाने के लिए मेन पॉइंट्स बताए। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, आपने काफ़ी अच्छे टाइमली फिनिश कर दिया इसको। ठीक है राखी बहन, नेक्स्ट मुरली हम दे सकते हैं।
जी नेक्स्ट 4 अक्टूबर 75 की जी रुचि बहन शेयर करेंगे, अब दृढ़ संकल्प की तेली से रावण को जलाओ। रुचि बहन रेडी है? रुचि बहन ज्वाइन तो है, मेरी आवाज आ रही है ना? रुचि बहन ये, जी अच्छा ठीक है रुचि बहन, ये तो नेक्स्ट मॉड्यूल ले सकते हैं, वो फिर बाद में कर लेंगे। ओके ओके हाँ 7 अक्टूबर 75 की रश्मि सरिया बहन शेयर करेंगे। सर्व अधिकार और बेहद के वैराग्य वाला ही राज ऋषि। ओम शांति भाई जी। सर्व अधिकार और बेहद के वैराग्य वाला ही राजऋषि, इस मुरली में बाबा हम सभी को हम राजऋषियों के रूप में देख रहे हैं, तो राजऋषियों की सभा को बाबा संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि दोनों सदा राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि, तो दोनों के लक्षण बाबा ने अलग अलग लिए हैं। तो राज्य में 3 चीजें ली हैं, सर्व अधिकारी, सर्व का प्यारा और सर्व कर्म इंद्रियों पर राज्य। तो ये जो तीनों है ये जो है ये हमारी जो समान में स्थित रहने की जो अवस्था है या हमारा जो योग की अवस्था है, ज्ञान युक्त अवस्था है, उसके ऊपर बाबा ने कहा, उसके ये जो उसकी निशानियां हैं। और दूसरा जो बाबा ने कहा ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी अर्थात सबसे न्यारा, तो ये जो अवस्था है ये हो गई हमारी कर्मातीत अवस्था। जैसे पीछे संडे की मुरली में बाबा ने जो कहा कि ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और कर्मातीत, तीनों लक्षण ब्राह्मणों में होने चाहिए, तभी वो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी अपने को अनुभव कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने ये जो राज ऋषि में इन दोनों पॉइंट्स को लिया और कहा कि ये दोनों जो डबल डबल राज्य का नशा जो है, मतलब सॉरी, ये जो दोनों नशा है अर्थात जितना राज्य का नशा और बेहद का वैराग, ये दोनों का बैलेंस कितना है, कितना हमारे अंदर है, क्योंकि अगर ये दोनों का बैलेंस मतलब एक स्वरूप याद रहता है और दूसरा भूल जाता है तो फिर हमें वो राज ऋषि वाला जो टाइटल है वो हमारा नहीं हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो जो बेहद का वैराग है, बेहद के वैराग को बाबा ने डीपली लिया है कि बेहद के वैराग में जो वो सदा काल का वैराग हमको कब कब अनुभव हो सकता है, जब हमको सामने ये अनुभव हो कि ये दुनिया अब खत्म हुई पड़ी है। जैसा कि आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, तुम्हें सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। तो बाबा हर मुरली में हमको बेहद का वैराग किसी न किसी तरीके से जरूर याद दिलाते हैं, क्योंकि वैराग्य धरनी है, तो धरनी पर ही किसी भी प्रकार की तपस्या का वृक्ष जो है वो फलीभूत हो सकता है। तो धरनी हमारी ऐसी रेडी हो अर्थात बेहद का वैराग हमारा इतना डीप हो, इतना सदा काल का हो, तभी उसके ऊपर हम तपस्या सही रीति कर सकते हैं। फिर आगे बाबा ने जो इस मुरली में बाबा ने जो आगे कहा कि दोनों जो निश्चय बुद्धि वैराग्य के साथ साथ अधिकार की खुशी में भी रहेंगे, तो ये जो सर्व प्रकार के अधिकार हैं, जो गुणों और शक्तियों का अधिकार या वर्से का अधिकार जो बाबा ने हमको दिया है, उसके साथ में बेहद का वैराग्य अगर साथ साथ इमर्ज रहेगा तो बाबा ने कहा कि जितना कब्रिस्तान उतना ही परिस्तान सामने अनुभव होगा। तो नशा और निशाना राज ऋषि जो आत्मा होगी उसके लक्षण बाबा ने बताए कि उसको नशा और निशाना दोनों सामने स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा ही जैसे सामने कोई कुछ बिल्कुल जैसे एकदम समीप है, इतना स्पष्ट उसको दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आत्मा को के अंदर जो संपूर्ण स्टेज की निशानियां हैं, मतलब आगे कहाँ पहुंचना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमको बिल्कुल ऐसा स्पष्ट दिखाई देगा, हमारे में वो निशानियां दिखाई देंगी। तो वो संपूर्ण स्टेज की जो निशानियां हैं वो बाबा ने हमको बताई है इस होली में आगे, कि पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से
संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि जैसा कि पुरानी दुनिया से बिल्कुल लंगर उठा हुआ होगा, तो एकदम स्मृति स्वरूप कि हम अब संगम युगी हैं या घर गए कि गए, बिल्कुल वो स्मृति जो है वो सामने इमर्ज रहेगी। हर आत्मा के लिए कल्याण और रहम की दृष्टि रहेगी और किसी भी आत्मा के गुण अवगुण या उन पर दृष्टि न जाकर स्वयं को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हुए सबके लिए कल्याण की दृष्टि सम रहेगी। तो ऐसी आत्मा, तीसरी जो निशानी बाबा ने बताई वो ये कि हर परिस्थिति और परीक्षा में स्वयं को विजयी अनुभव करते रहेंगे। उनको ये डाउट नहीं होगा कि हमारी विजय होगी या नहीं होगी, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हर कर्म जो है उसमें विजय का अनुभव करते रहेंगे। वे हर समय अकाल तक नशीन, बाप के दिल तक नशीन और भविष्य राज्य तक नशीन, ऐसा अपना जो स्वरूप है वो अनुभव स्पष्ट करते रहेंगे। ये चौथी निशानी। फिर पांचवी निशानी बाबा ने बताया कि त्रिकालदर्शीपन का के स्मृति स्वरूप, अर्थात उनको हर कर्म की जो गुह्य गति है उसका जो ज्ञान है या उसकी जो स्मृति है वो सदा इमर्ज रूप में रहेगी और विकर्मों का खाता समाप्त हुआ रहेगा, अर्थात अंदर में व्यर्थ संकल्पों का फोर्स बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ऐसी आत्मा को हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म और सुकर्मी बनाना उसके लिए संभव हो जाएगा। और इसी कारण हर कर्म और हर संकल्प सिद्ध हुआ पड़ा है, हर कर्म में सफलता या सिद्धि अनुभव करते रहेंगे। अपने जितने भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं उन पर विजयी अनुभव करेंगे, अर्थात पुराना स्वभाव संस्कार किसी भी कर्म या संकल्प में इंटरफियर नहीं करेगा, इसीलिए सिद्धि अनुभव करते रहेंगे। और सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। तो ये जितनी भी निशानियां बाबा ने बताई, तो ये सारी हमारी एक तरह से पुरुषार्थ भी है। मतलब निशानियां तो ये अंतिम स्थिति की निशानियां हैं, लेकिन निशाना अर्थात हमारा लक्ष्य भी है जिसकी तरफ हमको बढ़ते जाना है। तो बाबा ने आगे कहा कि ब्राह्मण जो है, सच्चा ब्राह्मण जो है, कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप बनना, इनमें समानता होनी चाहिए, तभी उसको ब्राह्मण कहेंगे। और लास्ट में बाबा ने इस मुरली में एवर रेडी रहने के लिए हमें अलर्ट किया, जो अभी समय की भी मांग है कि अचानक का जो समय है उसमें पास होने के लिए, मतलब मिलिट्री को जैसे रेडी, हर समय रेडी होने के लिए ऐसी ड्रिल्स कराई जाती, ऐसी तैयारी कराई जाती है। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसी है, कितने हम एवर रेडी बने हैं, सेकंड में अशरीरी बनना हो या जिस स्वरूप में अपने आप को स्थित करना हो वो हम कितना कर पाते हैं, ऐसा हमारा शक्तियों का स्टॉक है, इतना हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति भरपूर है। तो ये बाबा ने इस मुरली में ये पॉइंट्स को कवर किया है। रश्मि बहन, जैसे आपने बताया कि बाबा ने निशानियां बताई संपूर्णता की, तो आपको क्या लगता है, वैसे तो पर्सनल क्वेश्चन है कि कितने परसेंटेज में ये निशानियां अभी दिखाई दे रही हैं, आपको क्या लगा? भाई जी, इसमें हम एक्चुअली बेसिकली ये जितनी निशानियां हैं ये हम लोग सभी अनुभव करते होंगे कि ये एक हर तरह से एक एक पॉइंट जो है वो हमारा टारगेट रहता ही है। तो पुरुषार्थ में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, अगर हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं तो इन पॉइंट्स पर हमको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस अनुभव होती जाती है। तो ऐसा लगता तो है कि हम आगे पहुंच रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई परिस्थिति आई तो उसमें वो करेज इमर्ज रहता है कि ये तो आई है विजयी बनाने के लिए। या जैसे एक अपने संकल्पों की अगर हम क्वालिटी चेक करें तो वो जो संकल्प है उनमें पुरानी दुनिया के लगाव की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती जाती, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है संगमयोगी ब्राह्मण के हिसाब से या बाबा के बच्चे के हिसाब से वो बढ़ती जाती इस तरह से। फिर और जैसे व्यर्थ संकल्पों के ऊपर ऐसा नजर आता कि व्यर्थ संकल्पों के ऊपर हाँ कुछ प्रोग्रेस है, मतलब कम होते जा रहे हैं। तो ये जो है, और स्मृति जो है, बाबा ने जो हमको बहुत सारी स्मृतियां दिलाई हैं, तो वो सारी स्मृतियां भी वो बढ़ती जाती
और जो व्यर्थ है या पुराने स्वभाव संस्कार का जो बर्डन है, वो ऐसा लगता है उनका फोर्स जो है वो धीरे धीरे सटल होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बाकी सूक्ष्म तो भाई जी अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और उस अनुसार देखते जाते हैं क्या होता है, विजयी तो बनना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, विजय का वरदान तो मिला ही है बाबू से, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है राखी भाई, नेक्स्ट मॉडल ले लो। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है भाई जी? थैंक हाँ जी, हाँ जी, यू भाई जी। जैसे आपने पूछा कि आज के समय के हिसाब से क्या निशानियां हैं, तो इस मुरली में जैसे शमशानी वैराग्य के बारे में तो बोला है, लेकिन यहाँ ये भी कहा कि जब तक यह दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होगा, तो सदा काल का बेहद का वैराग्य यह अनुभव कैसे होगा? तो आज देखें तो सच में वही अवस्था हो रही है दुनिया में। देखो तो सीन यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये गया वो गया, उसे जगह नहीं मिल रही है, शमशान भी कम पड़ रहे हैं। तो सच में वो वैराग्य वाली अवस्था लोगों के अंदर भी आ रही है जो ज्ञान में नहीं है, उनमें भी वो चीज दिख रही है। और दूसरी जो मतलब हमारे अंदर तो आ ही रही है, दूसरी चीज की पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। तो अभी ना कोई व्यक्ति काम आ रहा है, ना उनका वैभव काम आ रहा है, न संपत्ति काम आ रही है, न सोर्स काम आ रहा है, कोई चीज काम ही नहीं आ रही है। तो फिर लगाव भी नहीं है उनके लेकिन अंदर अपने आप ही जी है ना। मतलब बाबा ने ये भी आज की जो कहा कि परिस्थितियां हैं, लेकिन बाबा ने ये भी हमें बताना है, और सभी परिस्थितियों को को देखा ध्यान जी। ध्यान रखना है, बाबा ने ये भी कहा है कि समय अगर आपको वैराग्य दिलाता है, परिस्थितियां वैराग्य दिलाती हैं, तो उसकी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगी, ये भी हमें याद रखना है। भले ही लोगों को वैराग्य आ रहा है, बिल्कुल पर उसकी प्राप्ति को नहीं होगी, वैराग्य ज्ञान के आधार पर आना चाहिए, तो वो हम ध्यान रखेंगे। जी, सही बात है जी। हाँ जी, अभी पहली वाली मुरली लेते हैं जो रुचि बहन लेने वाले थे, 4:10:75 की। अब दृढ़ संकल्प की तेजी से रावण को जलाओ। रुचि बहन आपसे। जी ओम शांति। तो इस मुरली का जो लेआउट है, पहले बाबा ने फोकस किया है व्हाट के ऊपर, के अपनी जो स्थिति और पर्पस जो हमारा है वो पहले फोकस किया है, फिर उसको निरंतर रखने का मेथड क्या है, फिर चेकिंग क्या करनी है और डिफिकल्टी कहाँ पे आती है। तो पहला जो है वो है, बाबा ने आते ही फोकस किया है कि फरिश्तों को देख रहे हैं, जिनके सब रिश्ते सिर्फ एक के साथ, सदा एक स्थिति में स्थित, एक एक सेकेंड, एक एक बोल, एक ही लगन में, एक की ही सेवा प्रति। तो ये सारे जो पॉइंट्स बाबा ने बताए, ये सब स्थिति से रिलेटेड है, कि कहाँ तक अपने व्यक्त भाव से न्यारे, देह रूपी धरनी की स्मृति से, बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर, मतलब कि उपराम है, न्यारा है। निराकार होते हुए भी बाबा कहते हैं कि न्यारे और निराकार होते हुए भी जो बाबा हैं वो अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं। तो बाबा यहाँ पे मेथड बता रहे हैं कि आपको भी खुद को ऐसे ही समझना है कि आपका जो पर्पस है वो है, आप अवतरित हुए हो, और क्यों हुए हो, आप अवतरित हुए हो धर्म स्थापन करने के लिए। मतलब कि बाबा जब आते हैं साकार मुरली में भी, कितना क्लियरली बाबा हमेशा समझाते हैं कि मैं क्यों आया हूँ, पर्पस बहुत क्लियर है। वही मोटिव बाबा चाहते हैं कि हम भी हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखें। और जैसे कि अभी डिस्कशन चल रही थी कि टाइम हमें वैराग्य ना दिलाए, हमारा वैराग्य या जो भी हमारा पुरुषार्थ है वो नॉलेज के बेसिस पे हो, तो ये एक एक्चुअली पॉइंट है। अगर हमारा अंदर से पर्पस हमें क्लियर होगा, तो न्यारापन जो है वो निरंतर रहेगा, बिकॉज हमें पता है हम यहाँ पे क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जॉब पे जाते हैं, कोई टीचर है, वो वहां पे जाके ये नहीं समझना शुरू कर देती कि मैं डॉक्टर हूँ, उसको निरंतर क्लैरिटी रहती है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं टीचर हूँ यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ। या फिर डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जाके वो कुछ और नहीं करने लग पड़ता, उसको क्लैरिटी है। सिमिलरली नॉलेज के बेसिस पे बाबा हमें समझाते हैं कि आपका पर्पस क्या है, और इस मुरली के हिसाब से बाबा ने अगेन हमें रिमाइंड कराया है कि आप मेरी तरह, जैसे मैं धर्म स्थापक हूँ, आप भी अपना धर्म स्थापन करने के लिए अवतरित हुए हो, और हमारा जो आत्मा का मूल धर्म है वो पवित्रता है।
और जो कि बाबा पतितों को पावन बनाने के लिए आए हैं। तो इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें दो मेन हम टेक अवेज ले सकते हैं। एक तो स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए, फरिश्ता सुमान न्यारी और प्यारी स्थिति और लाइट। और इसमें बाबा ने दो मतलब समझाए, रिमाइंड कराए हमें कि एक तो ऑब्वियसली ज्योति स्वरूप और दूसरा लाइट, मतलब कि हल्का, पुराने हिसाब किताब से न्यारा, कोई भी बोझ नहीं। देन सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें बाबा ने एक तरीके से मेथड को लिया है कि मेथड क्या है, कि अपना जो ब्राह्मण जीवन जो आपको मिला है इसका जो सिमरन चलता रहा है, यादगार चलता रहा है, एक श्वास भी आप किसी और कार्य में नहीं लगा सकते, बिकॉज आपको ये जो जीवन है ये ईश्वरीय कार्य के अर्थ मिला है, तो इसमें आपका कुछ है ही नहीं। एंड एक्चुअली जो रियलिटी है, और दादियों की लाइफ को अगर हम देखें या फिर जितने भी धर्म आत्मा हुए हैं या महात्मा हुए हैं, जितना जितना स्वार्थ भाव जाता जाएगा जो एक्चुअली इन रियलिटी ईगो रिलेटेड है, वो झूठ है। क्योंकि इवेंचुअली जैसे ही हम इस बॉडी से निकलते हैं हम उस ट्रू लव को रियलाइज करते हैं जो कि इस बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निरंतर अवेलेबल है। अगर हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस किसी के सुने या पढ़े उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं कि जैसे इस बॉडी से हम बाहर निकले हमें बस एक निरंतर प्यार का, एक शक्ति का अनुभव हुआ, लाइट का अनुभव हुआ। तो वो जो स्थिति है वो हमें स्थूल में इस बॉडी में रहते हुए उस स्थिति को अनुभव करना है, और वही दादियों ने किया, वही ब्रह्मा बाबा ने किया। जो स्थिति हमारी ओरिजिनल स्थिति है उसको इस फिजिकल डायमेंशन में लाकर अनुभव करना है। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि आपका जो समर्पण है वो 12 बातों का है, संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति। और अगर हम इन 12 बातों को देखें, एक्चुअली इनमें से हमारा अपना कुछ है ही नहीं इन रियलिटी। अगर हम थोड़ा डीप जाए इसमें, आत्मा निराकार, जो मिला है यहाँ पर मिला, जो दिया यहीं पर दिया, जो वैभव मिला, सर्व व्यक्ति मिले, संबंध मिले, संस्कार, स्वभाव, सब कुछ A to Z, जो भी मध्य से हमने लिया है वो सब मध्य से, जो द्वापर से शुरू हुआ वो सब बोरोड है, वो एक्चुअली उसमें से हमारा कुछ भी नहीं है। हमने दूसरों के रिएक्शंस के बेसिस पे अपने संस्कार स्वभाव मॉडिफाई किए, क्रिएट किए, जो मध्य में ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए जरूरी थे, और सिमिलरली उनके बिहेवियर्स पे हमने रिएक्ट करके उनके जो बिहेवियर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया है अपवित्रता बेसिकली। तो ये सब कुछ जो मध्य का है, जो सारी ये 12 की 12 बातें बाबा ने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, ये सब कुछ बोरोड है, इनमें से हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ अनादि और आदि ओरिजिनल है। तो आगे बाबा बेसिकली फिर चेकिंग पे आते हैं कि अपना चेक करो कि पिछले 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है उसको आपने वंश सहित त्याग किया है, या फिर वो कभी कभी वापस आ जाते हैं क्योंकि हम ऑब्वियसली वी लव टू से मेरा, हमने उसको अपना बना के रखा हुआ है, बड़ा दिल से लगा के रखा हुआ है। तो वो इसमें हमें चेकिंग अपनी क्या करनी है कि कहाँ कहाँ पे अभी भी इन सब वेस्टेज की चीजों में, टेम्परेरी चीजों में, बोरोड चीजों में मेरापन कहाँ पर हमने बना के रखा हुआ है। तो इसमें जो आगे जो है इसमें मेथड में बेसिकली वो आगे आया है एंड में, बट बेसिकली बाबा ने कहा है कि अब दृढ़ संकल्प की आपकी तीली होनी चाहिए कि ये सब मेरा है ही नहीं, मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हमें कन्विक्शन होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए हमें कि हमें एक तो कहा किसने है ये, किसने हमें ये स्मृति दिलाई है कि हमारा सत्य स्वरूप क्या है, हमारा घर क्या है, ओरिजिनल घर क्या है। एक ब्रिज से हम गुजर रहे हैं उस पर हमने छोटे छोटे अपने कस्बे बना लिए और उसको हम पकड़ के बैठ गए कि यही हमारा घर है। एक ब्रिज से गुजर रहे हैं, आराम से गुजरते चलो, ड्रामा देखते चलो, साइड सीन्स को एंजॉय करते चलो। ये हमें जब तक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी हम कहीं ना कहीं स्टक होते जाएंगे। तो डीप अंडरस्टैंडिंग, ये डीप रियलाइजेशन विनाशी और पेरिशेबल दुनिया की, फिजिकल डायमेंशन की,
जो एवर चेंजिंग है, और जबकि हमारी नेचर, हमारा घर, परमात्मा, सब कुछ एकदम स्थायी है, स्थिर है, और हमारे आसपास जो फिजिकल डायमेंशन में जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ अनित्य है, अभी है अभी नहीं है, इवन तक के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी कभी है कभी नहीं है. तो हमें चेक करना है हमारे अंदर स्थिरता कितनी है, धैर्यता कितनी है, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग. और फिर बाबा कहते हैं डिफिकल्टी क्यों आती है, डिफिकल्टी अगर हम एक वर्ड में कहें वो स्मृति जब गायब हो जाती है तब आती है. कौन सी स्मृति गायब हो जाती है, कि मैं हूँ कौन, मैं फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. ड्रामा की कन्विक्शन, बाबा की कन्विक्शन, स्वयं के सत्य परिचय की कन्विक्शन, जब हम इन सब की स्मृति को भूल जाते हैं तब हमें डिफिकल्टीज आती हैं. तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कितने डिटैच्ड हैं और कितनी हमारी इन्वॉल्वमेंट है, कितनी स्टिकीनेस है हमारी इस ड्रामा के साथ, और अपने ओरिजिनल आदि अनादि स्वरूप को दृढ़ता से बार बार स्मृति में वापस लाना है. तो बाबा कहते हैं यही ओरिजिनल एक्चुअल जो है वो दशहरा है, पांच विकारों के वंश को भी और पांच तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी, इन 10 बातों को यही आपको विजयी बनना है, मतलब कि विजय का दिवस मनाना है. तो विजय हमारी हुई ही पड़ी है, सिर्फ हमें ये जो स्मृति है उसको निरंतर होल्ड करके रखना है धैर्यता से, पेशेंस के साथ. शांति. थैंक यू रुचि बहन, आपने ना सिर्फ सुनाया बल्कि आई थिंक सबको अनुभव भी हुआ, अनुभव भी कराया बाबा ने जो कहा. तो यही बाबा कहते हैं कि अनुभव भी कराते जाओ, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो अनुभव करा सकेंगे. ठीक है, अभी हम राखी बहन नेक्स्ट मॉडल ले लेते हैं. जी भाई जी, 7:10:75 की नेक्स्ट, महारथी वत्सों का अलौकिक मिलन, जिसे मोनिका बहन आप शेयर करेंगी. मोनिका बहन का थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ रहा है अभी, मोनिका बहन आप शेयर करेंगे. सॉरी, अभी 7:10 की पहली वाली मुरली लेते हैं. कविता बहन आप शेयर कीजिएगा. जी जी, ओम शांति. इसी मुरली को रश्मि बहन भी शेयर करेंगे, तो कविता बहन इस हिसाब से दीजिए. जी बाबा, इस मुरली में महारथी बच्चों की महिमा कर रहे हैं. तो जैसे जो अमृत वेला में महारथी बच्चे बाबा से रू रूहान करते हैं और मिलन मुलाकात करते हैं, उनमें और अन्य आत्माओं के मिलन और रू रूहान में अंतर होता है. तो जो महारथी होते हैं वह परमात्मा की याद में समा जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं, यानी प्रभु प्यार में खो जाते हैं. उनमें जो ईश्वरीय गुण होता है सभी को प्रैक्टिकल रूप में अनुभव भी होता है. फिर बाबा ने कहा कि जैसे भक्ति में गायन है, आत्मा परमात्मा में समा जाती है, जैसे सागर में बूंद समा जाता है. तो यह जो शब्द है लीन हो जाती है, वह एक्चुअली लीन नहीं होती, लव लीन यानी प्यार में समा जाती है. तो लव का शब्द हटा देने से यह ज्ञान रॉन्ग हो जाता है. भक्ति में ब्रह्म को ही ईश्वर मान लेते हैं, लेकिन अब हमको जब बाबा मिले, बाबा का ज्ञान मिला, तो हमें बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं ब्रह्म लोक का निवासी हूँ. तो जैसे बिछड़े हुए दोस्त बहुत प्रेम से मिलते हैं, ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा से बहुत काल अलग रहती है, फिर जब हमारा परमात्मा से मिलन होता है तो बहुत प्यार और स्नेह से मिलते हैं, जैसे कोई खोया हुआ हमें मिल गया, यानी एक दूसरे में समा जाना, इसको ही लवलीन स्थिति कहते हैं. जितना हमारा आत्मा शुद्ध और पवित्र है और सच्चे दिल का हमारा बाबा से प्यार है, तो जब हम योग में बैठते हैं तो ऐसा फील करेंगे जैसे हम बाबा में समा गए, अनुभव में खो गए. तो व्यर्थ संकल्प भी शांत हो जाते हैं, वह बाप में समा जाते हैं, यानी बाप का स्वरूप बन जाते हैं, यानी बाप के गुणों को अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं. ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को ज्यादा होता है. दूसरी आत्माएं जो है वह स्नेह को शक्ति को खींचती है, रूह रूहान तो करती है, बातें करती है, लेकिन उसी में समय चला जाता है, बाबा के साथ का अनुभव में खोते नहीं है. अगर किसी भी देहधारी से कोई भी वस्तु से लगाव है तो योग की वह लवलीन वाली अवस्था नहीं बन पाती है, उसमें फिर मेहनत लगती है.
फिर बाबा ने कहा जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, यानी आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है लेकिन गुणों में अंतर हो जाता है। तो परमात्मा जैसे रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, तो बाबा सागर है और बच्चे स्वरूप बन जाए तो फिर मिलन में ऐसा अनुभव होगा जैसे दो नहीं एक है। जब हम साकार शरीर में होते इस शरीर से डिटैच होते हैं और आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो अपने को जैसे लाइट समझते हैं, तब समाने का अनुभव होता है, जैसे नदी सागर में समाती है वैसे हम आत्मा ज्ञान नदियां ज्ञान सागर में समा जाती है। तो परमात्मा के गुण हमारे अंदर अनुभव होने लगेगा, हम मास्टर बन जाते हैं, यह है संपूर्ण स्टेज। फिर बाबा ने कहा अमृत वेला ऐसा पावरफुल योग का अनुभव करो जिसका प्रभाव सारा दिन रहे। फिर बाबा ने कहा जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है, भक्त दौड़ते हैं दर्शन के लिए, ऐसे अमृत वेले बच्चे भी मिलन मनाने के लिए दौड़ते हैं, यानी बुद्धि योग की दौड़ लगाते हैं। तो जितना जिसका स्नेह है उसके आधार से स्नेह का अनुभव करते हैं। जैसे फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे बाबा जैसे बोलते हैं कि बाबा चकमक है यानी चुंबक है, तो जैसे चुंबक शक्तिशाली है और सुई साफ है तो बहुत दूर होते हुए भी वह सुई को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन अगर सुई में जंग लगी हुई है तो वह चुंबक के नजदीक नहीं आ पाती है। तो बाबा का कहना है जो आत्मा है जितनी शुद्ध होती है पवित्र होती है तो बाबा भी चकमक है ना, तो वह उस आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते हुए कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो साकार में सेवा करती थी उससे भी अधिक अभी अव्यक्त रूप से बाप के साथ मददगार है, वह भी बहुत फास्ट यानी तीव्र गति से, क्योंकि वह कर्मातीत हैं, उनके हर संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। यह जो स्टेज है बाबा की वह शिव बाबा के समान स्टेज बन गई है। तो जैसे साकार से आकार की गति तीव्र होती है, वाणी से संकल्प की गति तीव्र होती है, तो अब ब्रह्मा बाबा की सत संकल्प की सेवा है, वह कर्म बंधन से तो मुक्त हो गए हैं लेकिन सेवा का पाठ अभी भी उनका चल रहा है, तो वह सेवा के बंधन से अभी भी मुक्त नहीं है। फिर बाबा ने कहा जैसे आप बच्चों का अभी सेवा ज्यादा वाणी से है संकल्प से कम है, तो हमें भी अपनी स्थिति वैसी बनानी है जो हमारे भी संकल्प सिद्ध हो जाएं और हम ज्यादा से ज्यादा मनसा सेवा कर पाए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू कविता बहन, आपने बहुत ही सरलता से बाबा के महावाक्यों को हमारे सामने रखा, सबके सामने रखा। थैंक यू। ठीक है राखी बहन जी, हम नेक्स्ट मुरली इस वाणी को रश्मि सिन्हा बहन भी करना चाहते हैं भाई जी को। ठीक है, ठीक है। रश्मि बहन शॉर्ट में करिएगा, है ना। ओम शांति। महारथी वत्सों का अलौकिक मिलन। तो महारथी अर्थात वो आत्माएं जिनको मैक्सिमम टाइम ये अवेयरनेस रहती है कि मैं इस शरीर रूपी रथ पर रथी हूँ। महारथी आत्माएं ही बाबा से ऐसा मिलन मना सकते हैं जो वो लीन हो जाए। महारथी बच्चों को ही देखकर शिव बाबा बोल रहे हैं क्योंकि बाबा बच्चों में अपने समान ही गुण देख रहे हैं। महारथी बच्चों में जैसे बाबा कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं, वैसे हम बच्चे भी अन्य आत्माओं को बाबा से मिलाकर उनको कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने का रास्ता बता देते हैं। हम भी विश्व की सेवा में तत्पर हैं, हम भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं। जन्म मरण रहित अवस्था को हम पाएंगे जब हम स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा ने ये सारी जो अपनी प्रॉपर्टी है जो वो अपने महारथी बच्चों को जैसे ट्रांसफर कर दी है। और विशेष डिफरेंस बाबा अमृत वेले के समय देखते हैं, जब रूह रूहान होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि जो अन्य आत्माएं साधारण आत्माएं होती हैं वो रूह रूहान करती हैं, लेकिन जो महारथी आत्माएं होती हैं वो जैसे लवलीन हो जाती हैं और अन्य आत्माएं जो होती हैं वो परमात्मा में लीन हो जाती हैं, ऐसी कहावत कही गई है। लेकिन ये शब्द लीन नहीं है, एक्चुअली विलीन है एक शब्द, क्योंकि कोई चीज अगर पार्ट है या फ्रैक्शन है
तो वो विलीन हो जाती है। लेकिन अगर कोई चीज लीन है तो जैसे वो डिसॉल्व है, वो उसमें मर्ज हो गई है। लेकिन कोई चीज अगर लव लीन है तो दो चीजें हैं, उनकी आइडेंटिटी इंडिविजुअलिटी है, पर अब उनमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जैसे बाप के गुण बिल्कुल वैसे ही बच्चे के गुण, जैसे कृष्ण को देखा तो राधा का अनुभव हो और राधा को देखो तो कृष्ण की प्रतीति हो, तो ऐसे ही बाप को बच्चे बाप की प्रत्यक्षता करेंगे तो अन्य आत्माओं को हम बच्चों से बाप की प्रत्यक्षता हो। तो क्या हम ऐसे लीन हुए हैं, ऐसे लवलीन हुए हैं? तो वो ये शब्द है। तो जब कोई समा जाता है, जैसे अन्य आत्माएं शायद युद्ध कर सकते हैं या हम भी करते हैं कभी कभी, तो युद्ध का प्रोसेस क्या होता है? हार और जीत, युद्ध में रस्साकशी चलती है, कभी जीते कभी हारे। लेकिन जो लवलीन होते हैं वो बैठे और समा गए, खो गए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि युद्ध है तो हार जीत है, और समाने के लिए चाहिए समर्पण बिल्कुल उसी में। तो समर्पण का अर्थ ही है कि प्राप्ति 100% है। जब प्राप्ति है तो ही समर्पण हो सकता है, उसी को समाना कहते हैं। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। तो जो युद्ध करते हैं वो खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं स्नेह को, शक्तियों को। जैसे अगर कुएं में से पानी निकालना है तो बाल्टी से खींचना पड़ता है, क्योंकि हमने अपना जो सामने है उसे सागर को, अगर हमारा पात्र छोटा है बुद्धि रूपी, तो जो सागर है वो हमें सागर की प्रतीति नहीं दे रहा, क्योंकि हमें उससे वैसी प्राप्ति ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम फुलेस्ट में है अपने, समा गए हैं, अगर हम अपने बैठे और समाए, अगर लव इतना पावरफुल है तो हम बाप समान स्टेज में होंगे। तो ऐसा होगा जैसे नदी सागर में समा जाती है, इसीलिए गंगा सागर के मेले का गायन है। फिर नेक्स्ट बात है कि काफी चीजें बहन ने बता दी हैं, जैसे कहा जाता है कि गुलाब जैसी खुशबू, तो गुलाब जैसी खुशबू किसी चीज से कैसे आ सकती है? जब उसमें गुलाब जैसे गुण हो, तो अगर बाप जैसा तो स्वरूप भी बाप समान हो गया, साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए रहते हैं, तो स्वरूप भी बाप समान हो गया। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान, तो पहले गुण बाप समान होंगे तो स्वरूप बनेंगे और फिर समाएंगे उसमें। जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुभव था कर्मातीत स्टेज का, संपूर्ण स्टेज का, तो महारथी बच्चों को अपनी संपूर्ण स्टेज का अनुभव होता है और वो वरदानी बन जाते हैं, उनके संकल्प नजर बोल सब वरदानी होते हैं। और ये उनकी स्टेट थोड़े समय की नहीं रहती, सदा काल की रहती है, क्योंकि समाया वो ही रह सकता है जिसको बिल्कुल उस चीज के लिए मेहनत ना करनी पड़े। तो बाबा बाप दादा ये देखते हैं अमृत वेले के समय, जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए भीड़ लगी रहती है, ऐसे ही अमृत वेले हम बच्चे बाबा से मिलन मनाने की दौड़ में तत्पर रहते हैं। तो जैसे कि बाबा चकमक पत्थर है, तो चुंबक अगर हम शरीर भान में है, यहाँ है क्या कि अगर हमारी मन बुद्धि की लाइन क्लियर है, अर्थात अगर सुई से जंक निकला हुआ है, जंक निकलने का मतलब है कि हमने अपने हम आत्मा की अवेयरनेस में है, बिल्कुल हम देही अभिमानी स्थिति में है, देह भान में नहीं है, तो ही बाप हम से हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो जो चकाचौंध है, वो जो रोशनी है, उसको हम अपने में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम उसमें खो सकते हैं। बाहर तो बाबा को भी ये दृश्य साक्षी होकर देखने में बहुत आनंद आता है। और इस समय बाबा अव्यक्त वतन में जो है वो सहयोगी का पार्ट कर रहे हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं है, कर्मातीत जरूर हो गए हैं, क्योंकि अब उनकी स्थिति सिद्धि स्वरूप की है। क्योंकि बाबा अब शरीर से परे हैं, वाणी से परे हैं, इसलिए आकार की जो गति है वो ज्यादा है, संकल्प की गति जो है वो बहुत फास्ट है, शुद्ध संकल्प की। तो सेवा का पार्ट है, और वही बाप दादा हम बच्चों से आश रखते हैं कि हम महारथी बच्चों की श्रेणी में आए और हमारा लव इतना पावरफुल हो कि हम भगवान को
बाबा को अपने प्यार में बांध लें, संभालें। ओम शांति। बहुत ही अच्छा रश्मि बहन, और हर वीक आप शेयर करते रहिए। आज आप शायद काफी दिनों बाद आए हैं इस ग्रुप में, तो अच्छा है आपके होने से सभी भाई बहनों को लाभ मिलेगा। काफी अच्छा अच्छा एग्जांपल्स आपने बताया, गहराई से बताया। ठीक है राखी बहन, नेक्स्ट मुरली भी हम ले लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट मुरली 8 अक्टूबर 75 की जी, मोनिका बहन। मोनिका बहन का भी शायद हिमाचल से है, कुछ नेट इशू है। ओके, कुछ बारिश भी हो रही है वहाँ। और भी नेक्स्ट मुरली है क्या इसके बाद कोई? हाँ जी, एक और मुरली है 8-10-75 की भी, सुजाता बहन शेयर करेंगे। स्वयं संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। सुजाता बहन जी, ओम शांति। मुरली का शीर्षक है स्वयं संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। बाबा ने टाइटल में संतुष्ट का वर्ड दिया है, और फिर बाबा ने लास्ट में संतुष्ट ना होने का कारण, संतुष्ट ना होने के कारण रुकी हुई, संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है। संतुष्टता को भव्य हमारे भविष्य और उसके लिए जो हमारा पुरुषार्थ है उससे जोड़ा है, यहाँ ये चेकिंग करने के लिए कहा था। फिर बाबा ने पूछा है कि यानी कि स्वयं से संतुष्ट किससे, यानी ज्ञान मार्ग में जो हमारा जो पुरुषार्थ है अपनी स्थिति उससे संतुष्ट। बाबा पूछ रहे हैं कि अपने संगम युग भविष्य से जो आपको स्पष्ट दिखाई देता है, जो संगम है जो भविष्य, बाबा ने कहा अपने भविष्य स्पष्ट दिखने से जो होगा वो पुरुषार्थ है, यानी कि आपका पुरुषार्थ भी जो है वो सही तरीके से चल रहा है। बाबा ने भी कहा अंतिम स्वरूप आपका किसका है, महाकाल किसका, अपने ही आसुरी संस्कार। थोड़ा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सुजाता बहन, थोड़ा ठीक कीजिएगा। ठीक है दीदी, बाबा ने अंतिम स्वरूप कहा महाकाली का। दीदी अब ठीक आ रही है? हाँ जी, अब बेटर है जी। जी ठीक है, बाबा ने कहा कि भविष्य स्वरूप जो स्पष्ट अगर दिखाई देगा तो इसका अर्थ है पुरुषार्थ भी जो है आपका सही तरीके से चल रहा है, पुरुषार्थ भी ठीक है। बाबा ने कहा अंतिम स्वरूप किसका है, महाकाली का। महाकाली किस पर, अपने ही आसुरी संस्कारों विकारों का विनाश करने वाली। यहाँ बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी है कि यह अंतिम स्वरूप जो है महाकाली का यह नजर आता है, इसमें फिर कहे त्रिपुरुषार्थ करना चाहिए कि हम अपने अंतिम स्वरूप तक पहुंच जाए। अंतिम स्वरूप का स्लोगन भी पूछा गया क्या होना चाहिए, तो जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प के आधार पर वातावरण बनता है और वातावरण के आधार पर ही पुरुषार्थ है, इसीलिए संकल्प पर अटेंशन चाहिए। त्रिपुरुषार्थियों का अटेंशन पुरुषार्थ भी जो है वो गुह्य और महीन होना चाहिए। बाबा का स्थूल लेवल का बचपन का पुरुषार्थ जो हम कर्म के लेवल पर बोल के लेवल पर चेक करते हैं, वो पुरुषार्थ का समय बाबा ने कहा समाप्त हो गया। अब जो है जो पुरुषार्थी जो है हमारा जो महीन और गुह्य होना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरुषार्थ है वान प्रस्थी का पुरुषार्थ चाहिए। इसके लिए संकल्पों पर अटेंशन, क्योंकि संकल्प हमारे बीज हैं। एक संकल्प भी बाबा ने कहा व्यर्थ चला गया तो इसको साधारण नहीं समझना। जैसे कर्म और बोल की जो व्यर्थ जाता है तो उसकी भूल महसूसता होती है, तो अब सजाओं की मशीनरी भी तेज है कि अगर एक संकल्प भी व्यर्थ चला गया तो उसकी भी सूक्ष्म में सजा फील होगी। तो बाबा ने कहा यहाँ महाकाली का रूप धारण करना है कि जैसे संकल्प से पहले भी संवेदनाएं उठे, वहीं उसका मुंड पकड़ लिया जाए कि वो विकारों वहीं पे विकार का अंश भी जो है वो समाप्त हो जाए। तो फिर बाबा ने कहा अगर यहाँ संगम जो निमित्त बने, अगर ऐसा नहीं किया तो निमित्त बनने का चांस नहीं मिला तो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे भाग्य में लॉटरी भी मिली और हमने चांस गवा दिया। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे पुरुषार्थ में अप डाउन नहीं चाहिए कि कभी पुरुषार्थ तीव्र चल रहा है कभी मध्यम गति का। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए, साधारण नहीं। आपकी पर्सनैलिटी में विशेष न्यारा पर नजर आना चाहिए, जिससे अन्य आपकी पावरफुल स्थिति से समृद्धि से कमजोर आत्माओं की स्थिति भी पावरफुल बन जाए। यही है दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। ओम शांति। थैंक यू सुजाता बहन, काफी शॉर्ट में काफी अच्छी मुरली आपने सबके साथ रखी। तो राखी बहन अभी कंप्लीट हो गया सर ना ये? जी भाई जी, बट 8-10 की पहली वाली मुरली बची है। आप कहें तो मैं उसे। ओम शांति। जी मोनिका बहन कर लीजिए।
ओम शांति, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मुनिका बहन, हाँ ले सकते हैं जी। आवाज आ रही है? बोलो जी। जी बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ जी, 8/10/1975 की मुरली है और विषय है मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। आज बाप दादा इस मुरली में पूछ रहे हैं बच्चों, जो बच्चे बाबा के बच्चे बने हैं और यहाँ स्वर सीखने के लिए भी, जैसे आज अभी भाई जी ने शुरू में कहा कि हमें एजेंडा रखना है और वो पूरे वीक का एजेंडा, वैसे ही बाबा ने इस मुरली में जो एजेंडा दिया है और जो जिसकी तरफ अटेंशन खिंचवाया है वो है कि अपने आप को देखना है कि हमारा कर्मों के प्रति कितना अटेंशन है। और इस मुरली में बाबा ने कर्मों के प्रति ही बैलेंस और अपने जो कनेक्शन है उसके प्रति अपने आप की चेकिंग करते हुए इस मुरली को हम ध्यान से सुनेंगे तो अपने आप को देख पाएंगे कि हम कहाँ पर हैं। तो बाबा ने अपने हर एक बच्चे को अपना श्रृंगार बताया है कि मेरा एक एक बच्चा मेरा श्रृंगार है। तो उसने सबसे पहले तीन श्रृंगारों के बारे में बताया है कि सबसे पहले आते हैं जो सिर का ताज है। तो सिर का ताज वो बच्चे हैं जो ज्ञान सूर्य, यानी ज्ञान सूर्य से बाबा के समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन बाबा के प्यार को, बाबा की शक्तियों को, गुणों को सब में बांट रहे हैं। और हर आत्मा जहां भी उनको लगता है कि कोई किसी को कमी कमजोरी है या किसी को वो चाहिए है वो सब, तो वो देते हैं और हर हद को पार करके वो देते ही जाते हैं। और चाहे फिर वो परम धाम हो, साकार सृष्टि हो या जामा में कोई भी विशेष पार्ट हो, तो उस पार्ट में वो अपने आप को हीरो पार्टधारी समझते हुए अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाते हैं और इसमें वो बाबा के सर के ताज बनते हैं, क्योंकि बाप समान बनते हैं और बाप समान बनने के लिए हमेशा ऊंची सोच, ऊंची विचारधारा और ऊंची कार्य करते हैं। फिर इसमें जैसे हमारी जातियां हैं तो हमेशा बाप समान बनते हैं, अच्छा कार्य किए और हड्डी 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 में लगाए, तो उसमें जो सब बाबा के सर का ताज बनते हैं। और दूसरे बच्चे बाबा ने बताया उसके गले का हार, गले का तो गले का हार, ये वो जी। जी अब सही आ रही है। बोलिए मोनिका बहन। ओम शांति, मोनिका बहन बोलिए। मोनिका बहन का शायद नेट बंद हो गया है इस वाणी। मेरी आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, आप कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ जी, इस वाणी में बाबा ने तीन आत्मा, तीन तरह के श्रृंगार की बात की है, सिर के ताज, गले के हार और बाहों का कंगन। तो उसमें जो सिर के ताज बच्चे हैं वो बाप समान स्थिति वाले बच्चे हैं और जो गले के हार है वो समीप आत्माएं हैं और जो कंगन के रूप में हैं वो सहयोगी आत्माएं हैं। तो हम बाबा ने इसमें विशेष कहा है कि बच्चे देखो कि तुम कौन किस तरह के श्रृंगार हो। तो बाबा का हम श्रृंगार हैं यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसमें बाबा ने हमें अपने मस्तक का ताज कहा, मस्तक की मणि कहा। तो कितना श्रेष्ठ सम्मान है हमारा कि मैं बाबा के मस्तक की मणि हूँ, मैं बाबा के सिर का ताज हूँ। तो बाबा के सिर के ताज वाले बच्चे कैसे होंगे जो मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रहे हैं, जिनका जिनकी शक्तियां सभी आत्माओं को स्वतः मिल रही हैं और जिसमें बाबा ने मस्तक के बीच में लटकते हुए जो मणियां हैं उनका रहस्य बताया कि ऐसी आत्माओं में जो बुद्धि है वो सदा बाप की याद रहेगी, स्मृति स्वरूप अवस्था में होंगे, वे उन्हें घर की याद सहज रहेगी, राजधानी की याद, सतयुगी दुनिया की याद में रहेंगे और ईश्वरीय सेवा की याद में रहेंगे, मालिकपन की स्थिति रहेगी, सर्व प्राप्तियों की स्थिति रहेगी, अधिकारीपन की अवस्था रहेगी। वो बच्चे हैं मस्तक की मनिया। कितना श्रेष्ठ ये सम्मान हम अपने साथ रख सकते हैं हमेशा कि मैं बाबा के मस्तक की मणि हूँ। यदि उसमें उस स्वरूप में भी कुछ देर टिक करके देखें, महसूस करें कि मैं बाबा के मस्तक में
चमकती हुई मणि, सिर का ताज हो, तो कितनी श्रेष्ठ अवस्था बन जाती है। और दूसरी तरह की जो बाबा ने श्रृंगार कहा है वो है गले का हार। तो गले के हार वाली आत्माओं की क्या निशानी होंगी? वो आत्माएं सदा कंठ से यानी अपनी आवाज से, अपने मुख से बाबा की महिमा करेंगी, बाबा का परिचय देकर के दूसरी आत्माओं को बाबा के समीप लाएंगी, यानी कि वाचा की सब्जेक्ट में वो फुल पास होंगे। मनसा की सब्जेक्ट में वो फुल पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन वाचा की सब्जेक्ट में पास होंगे। तो ऐसी वो सदा स्मृति स्वरूप नहीं होंगी, लेकिन दूसरी आत्माओं को स्मृति दिलाने का उनका पाठ होगा। वो बाप के समीप होंगे क्योंकि गले का हार है, तो बाबा के समीप होंगे, बाबा के दिल के समीप होंगे। तो ऐसी गले की माला की मणियां जो थी ना, वो ज्यादा थी। जो ताज की मणियां थी उनसे यदि कंपेयर करें तो गले के माला, गले की जो माला की मणियां, यानी कि जो बाबा के समीप थे, जो वाचा द्वारा जो ज्यादा सेवा करते हैं वो आत्माएं ज्यादा थी, और जो मनसा द्वारा सेवा करती हैं मस्तक की मणियां, वो कंपैरिजन में कम थी। फिर तीसरे तरह की जो आत्माएं हैं वो है बाहों का कंगन, यानी कि बाबा की भुजाएं, बाबा की सहयोगी आत्माएं ना। उनकी विशेषता क्या थी कि उनके अंदर कोई ना कोई रंग था, यानी रंग था गुणों का रंग। सारे गुण नहीं दिखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेषता, जैसे वो बाबा के सहयोग में सेवा में सदा सहयोगी रहती हैं, कर्मणा के सब्जेक्ट में वो पास रहती हैं, यानी कि जो जो हमारा मनसा वाचा कर्मणा है उसमें कर्मणा के सब्जेक्ट में वो ज्यादा मार्क्स लेती हैं। सेवा अर्थ वो तन मन धन भी लगाती हैं, एवर रेडी भी रहती हैं, बाबा के स्नेह रूपी बाहों में समाई रहती हैं, तो बाबा के अपने हाथ को, बाबा के साथ को वो अनुभव भी करती हैं। तो ऐसी वो सहयोगी आत्माएं हैं जो तीसरे प्रकार की हैं। तो इस तरह बाबा ने आज तीन प्रकार की आत्माओं को अपना श्रृंगार बनाया, जो कि जो मस्तक की मणियां हैं वो बाप समान है, जो गले की हार है वो समीप आत्माएं हैं, और जो बाहों का कंगन है वो सहयोगी आत्माएं हैं। तो आज बाबा ने इस तरह से सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाया, जो सबको बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बाबा भी कमाल के शब्दों के जादूगर हैं। बाबा कैसी कैसी बातें हमें बताते हैं, मस्तक के ताज हैं या गले का हार हैं, तो ये सब हमारे लिए चेकिंग का काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क हमें मिल जाता है। तो पूरे वीक हम इस बात में चेकिंग कर सकते हैं। आज एक शिवानी बहन की क्लास हुई थी शाम को, आप में से शायद किसी ने अटेंड की हो। तो शिवानी बहन ने उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बोली कि जब भी हम मुरली सुनते हैं लाइव मधुबन से या सेंटर से या कोई भी इस तरह का सेशन अविक्त मुरली का, तो हमें हमेशा डायरी पेन लेके बैठना चाहिए और बाबा की बातें, इम्पॉर्टेंट बातें नोट करनी चाहिए। ये सिर्फ एक कैजुअली सत्संग की तरह नहीं होना चाहिए कि हमने मुरली सुनी और आज का हमारा काम पूरा हो गया। तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें हम मिस कर देते हैं। वैसे तो इस ग्रुप में अधिकतर भाई बहन बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से वो तैयारी करके आते हैं, लेकिन कुछ भाई बहन जैसे कि सिर्फ सुनने के हिसाब से आते हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि पांच मुरली या छह मुरली भी हम पढ़ते हैं इसमें कोई सारे भाई बहन, तो हर एक मुरली से कम हम 4 पॉइंट्स नोट करें, तो एटलीस्ट आपके पास ये इस तरह से आपका अटेंशन जाएगा कि हर मुरली से 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो पूरा अटेंटिव होंगे, फोकस रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी शिवानी बहन की क्लास से, हमें ध्यान रखनी है। ठीक है राखी बहन, आपको कुछ अनाउंसमेंट करना है तो आप बता दीजिए। इस सप्ताह हम सभी निरंतर योग युक्त रहने के लिए रचनात्मक युक्तियां, इस पर मनन चिंतन कर रहे हैं, और इस पर ही क्लास भी चल रही है, सीरीज भी चल रही है, तो इसी पर सैटरडे को वर्कशॉप है। तो सभी इस पॉइंट पर कि आप कैसे निरंतर योगयुक्त रहने के लिए कौन सी रचनात्मक क्रिएटिव आप युक्तियां अपनाते हैं कि बाबा की याद बनी रहे, तो वो जरूर शेयर कीजिएगा सैटरडे को 4 बजे।